अच्छा भाई दोस्तों, यार आज बात करते हैं परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन क्या होती है? आपने बहुत सुना होगा आमिर खान के बारे में कि भाई वो तो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, उनकी मूवीज़ ऐसी और बड़ी परफेक्शन के ख्याल रखते हैं। तो देखते हैं कि परफेक्शन प्रैक्टिकल कितना है। बट बिकॉज नॉट ऑल केसेस यू हैव टू बी परफेक्ट, राइट? परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, उसके नुकसान भी होते हैं। और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब में, करियर में यू हैव टू हैव अ बैलेंस। नॉट नेसेसरी कि आप फुल परफेक्शन लेके आओ, लेकिन कहने का मकसद यही है कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे टाइम लगा रहे हो आप, और उसमें उतना टाइम लग जाता है कि फ़र्ज़ करो कि उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा। मतलब फ़र्ज़ करेंगे आपको इशू ने गेट योर जॉब डन, जो आपको 80% पे ले आए, 80% एफर्ट या 80% परफेक्शन कर दिया आपने, 100% नहीं हो रहा, लेकिन आपने 80% काम कर दिया है। अब होता है क्या कि बाकी के 20% पे अगर आपको उतनी मेहनत लग रही है जो कि 80% में लगी है, तो एट दैट सिनेरियो यू हैव टू मेक अ कॉल कि नहीं यार, जस्ट जो है उसको कर दो। इसका हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा है कि आप जुगाड़ी वाले काम करो, दो नंबर काम करो, लेकिन कोई भी जॉब हो आपकी, आईटी की हो, मार्केटिंग की हो, सेल्स की हो, शॉप हो, व्हाटएवर, तो ये दुनिया का रूल है बेसिकली। और इसी तरह आप ज़िंदगी में सक्सेस कर सकते हो, इसी तरह आप ज़िंदगी में ग्रो करते हो। अगर आप यही किसी की चीज़ के पीछे पड़े जाओ, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ सीखनी है और आपने देखा है कि मार्केट में लोग आ रहे हैं या जो चीज़ सीख रहे हैं, उन्होंने एवरेज एक बंदे को 6 हफ्ते या 6 महीने लगते हैं, तो आपने उस पर 2 साल, साल भर नहीं लगाना, आपने 6 महीने की जगह 7 महीने लगा दिए या 8 महीने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझ जाए मुझे और सीखना था कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ उस चीज़ पर, मुझे और अच्छी जो है अच्छी नॉलेज आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको हरगिज़ जो है उस पर इतना टाइम, मनी, एफर्ट, एनर्जी ज़ाहिर नहीं करनी। इसलिए डोंट थिंक के परफेक्शनिस्ट या परफेक्ट होना इज़ द सक्सेस। सक्सेस में ऐसा नहीं होता, आपने सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं, उनमें से यू हैव टू मेक अ कॉल, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, एंड देन यू मूव ऑन, देन मूव ऑन, फिर अगले प्रोजेक्ट पे, अगली चीज़ पे, अगली आपने जो चीज़ लर्न करनी है, उस इस तरीके से आप अपने आप को ग्रो करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप परफेक्शनिस्ट ना हो, बट यू डू योर बेस्ट जो आपने अचीव करना है, और जुगाड़ी भी ना हो कि 50% काम करा, 50% छोड़ दिया, ये भी मैं आपको हरगिज़ नहीं बोल रहा। तो इस तरीके से जो आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी हैविंग मोर चांस फॉर सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल फ्यूचर, एंड यू नो यू विल बी सक्सीडेड। सो दैट्स इन अ नटशेल आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि आपने करियर में चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, स्टेप बैक, रिलैक्स एंड गो फ्रॉम देयर। ऑलराइट, होपफुली इट मेक्स सेंस।